तो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ओलंपो हिंदी में। सीएसके के कप्तान एमएस धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से चेन्नई सुपर किंग के बाहर होने के बाद यूएई से वापस भारत लौट आए हैं। धोनी अन्य खिलाड़ियों की तरह अगस्त से अपने घर से दूर थे। इस बीच एमएस धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में माही कस्टमाइज एयरपोर्ट्स की अनबॉक्सिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धोनी के एयरपोर्ट पर एक तरफ बलिदान लोगो है तो दूसरी तरफ MSD और उनका नंबर 7 लिखा हुआ है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का सेना प्रेम किसी से छिपा नहीं है। धोनी को इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक भी दी है। CSK और धोनी दोनों के लिए इस बार IPL 2020 का सफर ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब 3 बार की चैंपियन चेन्नई की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन में 14 मुकाबले खेले जिसमें से उसे 6 मैचों में जीत मिली जबकि 8 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुरेश रैना और हरभजन सिंह की अनुपस्थिति ने भी CSK के प्रदर्शन को प्रभावित किया। हालांकि ऐसी अटकली थी कि धोनी IPL 2020 के बाद रिटायर हो सकते हैं, लेकिन CSK के कैप्टन ने पुष्टि की है कि वह IPL 2021 में भी 3 बार की चैंपियन चेन्नई का नेतृत्व करेंगे। हालांकि चेन्नई के फैंस के लिए एक बुरी खबर ये रही कि अगले सीजन में शेन वॉटसन टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वॉटसन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL सहित क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास देने की घोषणा कर दी है। आने वाले IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग में शेन वॉटसन का ना होना और उनकी जगह अब कौन से क्रिकेटर लेंगे ये देखना होगा, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर का ना होना और शायद एक अच्छे प्लेयर का टीम में आ जाना बहुत फर्क पड़ता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।